तो गाइस एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए नो टॉपअप आईडी कलेक्शन वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर आप सभी को 70 लेवल की एक ऐसी आईडी दिखाऊंगा जिसके अंदर मैक्सिमम सिर्फ 600 रुपए का टॉपअप हुआ है एंड आईडी का कलेक्शन इतना बेहतरीन है ना, आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि बिना टॉपअप किए इतना बेहतरीन कलेक्शन कोई बंदा कैसे बना सकता है। और हाँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप भी बिना टॉपअप किए अपनी आईडी के अंदर बेहतरीन कलेक्शन बना सकते हो। इस आईडी का कलेक्शन आप लोग देखोगे ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि इस आईडी के अंदर सिर्फ 600 रुपए लगे हैं। बट यार एकदम सच बोल रहा हूं कि इस आईडी के अंदर सिर्फ 600 रुपए लगे हैं एंड इस आईडी का कलेक्शन काफी जबरदस्त है। तो वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद ही आने वाला है। जरूर से वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे वीडियो देख के चले जाते हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो डेली आते रहते हैं। ओके गाइस, तो यही वो आईडी रहने वाली है एंड आईडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 500 या 600 रुपए का टॉपअप हुआ है। यहां पर आपको प्रोफाइल दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप देखो यहां पर प्रोफाइल देखो बंदे की, 70 लेवल चुके बंदे के, 71 लेवल होने वाले बहुत ही जल्दी एंड 18,000 प्लस लाइक है बंदे के। और यहां पर आप देख पा रहे हो प्रोफाइल देखो बंदे की, कितनी तगड़ी प्रोफाइल बंदे ने मैनेज कर रखी है। यहां पर आप बात करें इलाइट पास के बैच की, तो बंदे ने इलाइट पास तो एक भी नहीं कर रखा है पर रेगुलरली मेंटेन करता है, बंदा बहुत ही तगड़ा खेलता है। एंड उसके बाद बात करें तो पीजी स्पोर्ट्स गिल्ड में रहता है, मतलब मेरी गिल्ड में रहता है, पर्सनली मेरी खुद की गिल्ड में रहता है। यहां पर आप देख पा रहे हो वीबेज लगा हुआ है तो मेरी गिल्ड में रहता है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि पीजी स्पोर्ट्स के अंदर आने के लिए आपको टॉपअप वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए देन आप पीजी स्पोर्ट्स में आ सकते हो। उसके बाद बात करें बीआर रैंक में, तो बंदे ने 1 स्टार लगा रखा है हीरोइक के अंदर। एंड क्लास स्क्वाड रैंक की बात करें तो अभी अभी नया सीजन आया, बंदा फेयर गेम प्ले करता है एंड डायमंड 2 को बंदा बहुत ही जल्दी टच करने वाला है। एंड यहां पर आप बात करें बंदे का यहां पर क्लास स्क्वाड के अंदर एवरेज, तो वो बाद में देखेंगे, उसका अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को देखना है बंदे की आईडी के अंदर कलेक्शन कितना है। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन गन कलेक्शन से कि बंदे की आईडी के अंदर गन कितनी है, मतलब गन का कलेक्शन कितना है। तो ईवो गन के अंदर आते हैं, सबसे पहले बंदे की आईडी के अंदर ईवो गन कितनी मिलेगी। तो भाई सारी की सारी ईवो लोक है, यहां पर बंदे की आईडी के अंदर एक भी ईवो गन अवेलेबल नहीं है। चलो यार कोई भी बात नहीं है, यहां पर आते हैं अपन सेकंड यहाँ पर कितनी गन हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो M4A1 जो फ्री के अंदर मिली हुई है, ये भी फ्री के अंदर कहीं से मिली होगी बंदे को क्रिएट वगैरह के अंदर, आई डोंट नो इसके बारे में क्या सीन है इसका। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो M4A1 का काफी तगड़ा कलेक्शन है बंदे के पास, काफी स्किन्स अवेलेबल एंड सारी की सारी मेरे ख्याल से इसको फ्री के अंदर ही मिली है। उसके बाद आते हैं AK-47 पे, तो AK-47 का भी काफी तगड़ा कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है एंड मेरे ख्याल से सारी की सारी इसको फ्री के अंदर ही मिली हुई है। ये सब एवरीथिंग ये फ्री के अंदर मिली हुई है एंड ये मेरे ख्याल से वेपन रॉयल के अंदर आई थी, तो बंदे का लग तगड़ा था निकल गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आते हैं M14 पे, तो M14 का भी यहाँ पर 3 स्किन अवेलेबल है एंड काफ़ी तगड़ा M14 का भी कलेक्शन आप बोल सकते हो। M14 की ये वाली स्किन काफ़ी बेहतरीन स्किन है। उसके बाद आते हैं स्कार में, तो स्कार में आप देख पा रहे हो ये वाली स्कार भी इसके पास अवेलेबल है एंड इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, शायद से भाई 1 स्पिन या 2 स्पिन के अंदर भी एक ब्लू प्रिंट निकल सकता है। एंड अगर आप टोकन से भी स्पिन करो, जो अपना इंक्यूबेटर रॉयल वाउचर होता है उससे भी स्किन जो स्पिन करो तो आपको मिल सकता है। एंड स्कार का काफ़ी तगड़ा कलेक्शन इसके पास अवेलेबल है, इसको बोलते हैं एक्यूमेंट स्कार, ये जो फ्री के अंदर मिली हुई है ये भी, एंड ये सब फ्री का ही कलेक्शन है, एड्रो वगैरह में से कहीं से मिला होगा। और मैं आपको बार बार एक बात अनाउंस कर रहा हूं कि आईडी के अंदर 500 या 600 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं लगाए एंड 70 लेवल की आईडी के अंदर 500 या 600 रुपए कुछ भी मैटर नहीं करता गाइज। आजकल क्या होता है 25 या 30 लेवल की आईडी के अंदर 2-2, 3-3 हज़ार रुपए लगा लेते हैं लोग, फिर भी 70 लेवल की आईडी इसके अंदर 500 या 600 रुपए मैटर नहीं करते भाई। उसके बाद आती है गरोजा पे, तो गरोजा की ये वाली स्किन अवेलेबल है एंड ये फ्री के इवेंट में आई थी, इवेंट चला था उसके अंदर फ्री के अंदर मिली थी एंड काफी बेहतर गरोजा की ये वाली स्किन है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वाली स्किन आपसे वो पसंद है या फिर नहीं, मेरे को काफी बेहतरीन लगती है बिकॉज डबल रेट ऑफ फायर स्किन का। एंड नीचे आते हैं फेमस का गन कलेक्शन देखते हैं, फेमस के अंदर भी काफी तगड़ा कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है एंड यहां पर आप देख पा रहे हो काफी तगड़ा कलेक्शन फेमस का भी अवेलेबल है। नीचे यहां पर आते हैं अक्सामेट की भी ये वाली स्किन अवेलेबल है, काफी बेहतरीन स्किन अक्सामेट की, ये वाली इंक्यूबेटर की स्किन है एंड बंदे ने निकाल ली, पता नहीं कैसे निकाली, आई डोंट नो, बट ये वाली निकाल ली। एंड मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ये वाला कलेक्शन देख के सोच रहे हो कि बंदे ने काफी तगड़ा पैसा लगाया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, बंदे ने पैसा नहीं लगाया, 500 या 600 रुपए से ऊपर भाई पत्थर की लकीर है, इससे ऊपर इस आईडी के अंदर एक भी रुपया नहीं लगाया, ठीक है। एंड यहां पर एक्समेट की ये वाली भी स्किन अवेलेबल है, ये वाली भी अवेलेबल है बट ये बेहतरीन है, ठीक है, ये वाली ठीक है तगड़ी है। एंड उसके बाद आते हैं A94 का भी काफी तगड़ा कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है, इतना तगड़ा भी नहीं है बट ठीक ठाक कलेक्शन आप इसको बोल सकते हो। प्लाज्मा की बंदे के पास एक भी स्किन नहीं है, ओग की एक भी स्किन परमानेंट नहीं है बंदे के पास, परफाल वगैरह एंड किंगफिशर इनकी भी कोई स्किन नहीं है। नीचे आते
है यहाँ पर स्नाइपर्स के अंदर, मतलब एसिस स्नाइपर के अंदर। तो यहाँ पर इसके पास देख पा रहे हो अस्केस का काफ़ी तगड़ा कलेक्शन है, एंड उसके बाद एसवीडी का कोई कलेक्शन नहीं है, वुडपेकर का कोई कलेक्शन नहीं है, एंड यहाँ पर जो अपना AC-80 है उसका भी कोई तगड़ा कलेक्शन नहीं है। यहाँ पर आते हैं M249 का, यहाँ पर एक ही स्किन अवेलेबल है। M60 के यहाँ पर 3 स्किन अवेलेबल है, बाकी यहाँ पर एक स्किन का कोई भी एबिलिटी नहीं है, और इस स्किन का एबिलिटी इतना कुछ खास नहीं है, बट ये वाली ठीक ठाक है क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर है। कोल्ड का एक भी स्किन बंदे के पास अवेलेबल नहीं है। SMG की बात करें तो UMP ये वाली अवेलेबल है, शायद से वेपन रोल से मिल गई होगी, ये वाली फ्री के अंदर मिली थी, बाकी ये सब तो फ्री का ही है, क्या ही बताना आपको। MP5 का भी काफ़ी तगड़ा कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल, आप देख पा रहे हो 4 स्किन MP5 के अवेलेबल है, जिसमें से ये वाली काफ़ी बेहतरीन है अभी को, जिसका डबल रेट ऑफ फायर है। नीचे आती है VSS की एक भी स्किन नहीं है। उसके बाद आए MP40 पे, तो MP40 का ये वाला स्किन अवेलेबल है, एंड ये फ्री के अंदर ही मिला है बंदे को। ये मैंने पूछा इसकी डिटेल ली, तो बंदे ने बोला कि क्रिएट से इसको फ्री के अंदर मिला हुआ है, ये वाला स्किन क्रिएट से मिला हुआ है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई टॉप अप वगैरह करने से मिला हुआ है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो MP40 का काफ़ी तगड़ा कलेक्शन है, एंड बंदा ये वाली स्किन लेके खेलता है, तो ये भी काफ़ी तगड़ी स्किन है MP40 की। उसके बाद आते हैं P90 की, तो P90 की 2 स्किन अवेलेबल है, जिसमें से भाई कोई भी तगड़ी स्किन नहीं है, आप बोल सकते हो कोई भी तगड़ी स्किन नहीं है, बट ये वाली ठीक है क्योंकि डबल रेंज है इसका। एंड बाद में आए CJ50 पे, तो भाई CJ50 तो आप सभी को पता है अभी गेम से रिमूव ही कर दी गई है, लगभग तो रिमूव ही कर दी गई है, गेम में देखने को मिलती नहीं है, तो इसका तो कोई वो क्या बोलते हैं रोल नहीं है गेम के अंदर। उसके बाद आते हैं थॉमसन पे, तो थॉमसन का एक स्किन अवेलेबल है, एंड ये पता नहीं कहाँ से मिला इसको, मेरे को नहीं पता भाई इसके बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं नहीं पूछ सकता। एंड उसके बाद आते हैं शॉटगन पे, तो शॉटगन का ये वाला स्किन अवेलेबल है, एंड ये भी बंदे को क्रिएट से मिला हुआ, आप सभी को बता दूंगी ये वाला स्किन भी क्रिएट से मिला हुआ है। एंड 70 लेवल की आईडी है, तो इतना तो बनता है भाई, इतना तो मिल सकता है 70 लेवल की आईडी के अंदर। एंड ये वाला स्किन आप सभी को पता हो, अगर आप पुराने प्लेयर हो तो ये वाला स्किन बिल्कुल फ्री के अंदर मिला हुआ है। बाकी यहाँ पर आगे देख पा रहे हो, मतलब क्रिएट से अगर बंदे का लक अच्छा होना तो क्रिएट से मिल सकता है उसको 70 लेवल की आईडी है, तो इतना तो लक चलता है। एंड ये अभी पीछे वेपन रॉयल आया था, वेपन रॉयल से मिला हुआ बंदे को, डायमंड से स्पिन नहीं किया था वेपन रॉयल के अंदर, आप सभी को पहले ही बता दूं वाउचर से स्पिन करके मिला हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्पास का भी काफी तगड़ा कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है। M1887 का बंदे के पास एक भी स्किन नहीं है, Mac-7 का भी बंदे के पास एक भी स्किन नहीं है। बात करें स्नाइपर की, स्नाइपर के अंदर AWM का ये वाला स्किन अवेलेबल है, बट परमानेंट नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें Kar-98 की, तो Kar-98 के बंदे के पास 3-4 स्किन अवेलेबल है, बट एक भी पैसे वाला स्किन नहीं है, सारे के सारे फ्री के अंदर मिले हुए। M82B का भी कोई स्किन नहीं है, एंड इसका भी कोई स्किन नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे और देखते हैं पिस्टोल के अंदर, तो पिस्टोल के अंदर कुछ नहीं देखेंगे, पिस्टोल को जाने दो। उसके बाद आते हैं पैन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पैन का भी काफ़ी तगड़ा बंदे के पास जो कलेक्शन अवेलेबल है, एंड ये तो सब फ्री के अंदर मिलते हैं, तो इनको देखने का कोई फायदा नहीं है। एंड ये भी सब फ्री के अंदर मिलते हैं, ये सारे के सारे फ्री के आइटम, तो इनको देखने का कोई भी फायदा नहीं है। एंड यहाँ पर कटाना का कोई भी स्किन नहीं है, एंड इसका भी कोई स्किन नहीं है, नाइफ का भी कोई स्किन नहीं है। फ्रिस्ट के अंदर आते हैं, तो फ्रिस्ट का भी कोई स्किन नहीं है। ग्रेनेड के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रेनेड का भी बंदे के पास काफ़ी सारे स्किन अवेलेबल है ग्रेनेड के, जो सारे के सारे फ्री के अंदर मिले हुए हैं। स्मोक ग्रेनेड का एक भी स्किन नहीं है, आया भी नहीं है गेम के अंदर मेरे ख्याल से। एंड यहाँ पर सब के सब फ्री के, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारे के सारे फ्री के। ये वो एक इवेंट आया था जिसके अंदर कुछ मिल रहा था, एंड ये फ्री के अंदर मिला था, एंड ये भी फ्री के अंदर मिला था, मतलब सारा का सारा लगभग फ्री के अंदर है। एंड उसके अंदर बाद आते हैं कलेक्शन में, अभी कलेक्शन में क्या क्या बंदे के पास अवेलेबल है वो चीज़ देखते हैं। तो फटाफट मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमोट के अंदर बंदे के पास कितने तगड़े, ये वाला इमोट भी अवेलेबल है, काफ़ी तगड़ा ये वाला इमोट है, एंड काफ़ी पुराना है, तो मेरे को नहीं पता ये वाला इमोट कैसे मिला, फ्री के अंदर मिला या डायमंड लगे, मेरे को नहीं पता। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बंदे के पास काफ़ी तगड़े तगड़े इमोट अवेलेबल है, ये वाला इमोट बिल्कुल फ्री के अंदर मिला हुआ है। एंड रैम्पेज इलाइट पास से मिला हुआ है, रैम्पेज इलाइट पास बिल्कुल फ्री के अंदर मिला था सारे के सारे बंदों को, ठीक है। एंड ये सारे के सारे इमोट फ्री के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्री वाले इमोट है, सब के सब फ्री वाले इमोट है, मतलब पैसा तो बहुत ही कम लगा हुआ है साइड के अंदर, बहुत कम पैसा लगा हुआ है। एंड इमोट भी इतने नहीं है साइड के अंदर, आप देख पा रहे हो जितने इमोट होने चाहिए इतने इमोट नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो ये वाले इमोट है एक भी इमोट बंदे के पास अवेलेबल नहीं है। उसके पास व्हीकल की स्किन पे आते हैं, तो सारे के सारे फ्री की व्हीकल की स्किन अवेलेबल वाला है, डायमंड वाली मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगी बंदे के पास, नहीं है गाइस एक भी स्किन ऐसी नहीं है जिस पे बंदे ने डायमंड लगाया हो। सारे के सारे फ्री वाले स्किन अवेलेबल है। बैकपैक की स्किन के अंदर आते हैं, तो भाई ये देखो रैम्पेज इलाइट पास का बैकपैक का स्किन अवेलेबल है, जो काफी बेहतरीन है। एंड बार बार चीख चीख के बोल रहा हूं कि रैम्पेज इलाइट पास सबको फ्री के अंदर अवेलेबल करवाया गया था, ठीक है। मैं नहीं ले पाया, मेरा बैड लक था, मैं उस टाइम खेलता था, बट मैं रैम्पेज इलाइट पास को नहीं ले पाया, फ्री के अंदर दिया था तब भी, मेरा बैड लक ही बोल सकते हो आप इसको।
एंड स्काई विंग की स्किन पे आते हैं, तो कोई भी बंदा स्काई विंग की स्किन यूज़ तो करता नहीं, गरेना वालों ने एक फ्री का देके छोड़ा था, बट कोई भी बंदा इसको यूज़ नहीं करता। लूट बॉक्स पे आते हैं तो लूट बॉक्स भी काफ़ी तगड़ा है, इसके पास लूट बॉक्स का भी कलेक्शन है एंड सारे के सारे फ्री के अंदर ही बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखो यार, ये भी काफ़ी तगड़ा कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। सपबोर्ड का भी काफ़ी तगड़ा कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है। यहाँ पर स्क्रोल करता हूँ आपसी को बताता हूँ, सब हर चीज़ को एक एक करके नहीं दिखा सकता बिकॉज यार काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। पैरासूट का भी काफ़ी तगड़ा कलेक्शन आप इसको बोल सकते हो, पैरासूट का भी काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है। एंड उसके बाद आते हैं बैनर्स पे, तो बैनर्स भी काफी ज्यादा है एंड बैनर्स को अवतार को इनको छोड़ते हैं यार, इनका क्या देखना। एंड उसके बाद आते हैं पिन पे, तो पिन तो हर इवेंट की फ्री के अंदर मिलते हैं, कोई मतलब ये बात नहीं है कि यार पिन डायमंड के अंदर ले लिया, अभी चीख चीख के मत बोलना, पिन डायमंड के अंदर ले लिया। अभी आते हैं वॉलेट के अंदर, सबसे मेन चीज यही होती है वॉलेट देखनी है, वॉलेट में बंदे के पास कितना तगड़ा कलेक्शन है। तो सबसे मेन चीज तो यहां पर आप देख पा रहे हो बंदे ने पहन ही रखा है ये वाला टी शर्ट, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये वाला टी शर्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये वाला टी शर्ट ही पहन है गाइस, आप देख पा रहे हो ये वाला टी शर्ट जो आप देख पा रहे हो ये ही मैन है, क्योंकि कितना पुराना टी शर्ट अगर आप लोगों को पता है तो ये काफी बेहतरीन एंड काफी पुराना टी शर्ट है ये वाला। एंड अब यहां पर चलते हैं आगे का कलेक्शन दिखा देते हैं कि बंदे की आईडी में और कितना बेहतरीन बेहतरीन कलेक्शन है बंदे की आईडी में। ऐसे नॉर्मली दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर पहना के नहीं दिखा रहा हूं, कोई जबरदस्त चीज आएगी तो वो मैं आप लोगों को जरूर पहना के दिखाऊंगा, ठीक है, जबरदस्त चीज़ आएगी कोई तो वो जरूर पहन के देखेंगे। जैसे ये वाला बंडल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, बट ये वाला पूरा का पूरा इसके पास अवेलेबल है या नहीं है मेरे को नहीं पता। एंड यहाँ पर देख लेते हैं और स्क्रॉल करके इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर बंदे के पास क्या बेहतरीन कलेक्शन है, ये वाला बंडल भी काफ़ी तगड़ा एंड काफ़ी पुराना बंडल है ये वाला बंडल, इसको अजुबाई वाला बंडल भी बोल सकते हो, काफ़ी बेहतरीन बंडल है। एंड ये वाला बंडल रैम्पेज का बंडल है, काफ़ी पुराना बंडल इसको आप बोल सकते हो। एंड ये वाला बंडल गाइस, ये देखो कितने पुराने बंडल इसके पास अवेलेबल है, काफ़ी बेहतरीन ये वाला बंडल भी आप देख पा रहे हो, ये वाला बंडल भी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार बंडल है। एंड ये वाला बंडल भी काफ़ी तगड़ा बंडल, ठीक है, ये वाला बंडल भी आप लोग बोलोगे ये क्या दिखा दिया, बट काफ़ी तगड़ा बंडल है भाई, ये भी ऐसे रेयर बंडलों में गिना जाता है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। एंड ये वाला गाइस क्या ही बोले यार, ये एक नंबर है भाई, ये मेरे को बहुत तगड़ा लगता है, क्या ही बोले। एंड यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप सभी को दिखाता हूँ और नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यार, क्या ही बोले। ये देखो गाइस क्या ही बोले, मतलब ये क्या था, ये ओपी वाला यार, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, मतलब पुराने टाइम में क्या क्या मिलती थी। स्कल मार्क्स भी बंदे के पास अवेलेबल है, स्कल मार्क्स आप देख पा रहे हो, एक टाइम में भाई ये स्कल मार्क्स देख के बंदों की गांड फट जाती थी, वही स्कल मार्क्स है ये इस बंदे के पास अवेलेबल है, क्या ही बोले, अभी तो कोई इज्जत ही नहीं है स्कल मार्क्स का। और ये देखो गाइस, ये पहले के टाइम में क्या क्या मिलता था, अभी ये सब कुछ नहीं मिलता। ये देखो नाक पे देखो क्या लगा रखा है, ये बहुत ही तगड़ा कलेक्शन है बंदे के पास, काफ़ी फनी टाइप के कलेक्शन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। आप देखो यार, कहता है फनी टाइप का कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है, ये देखो गाइस क्या है भाई, ऐसे मैंने आज तक नहीं देखे मेरी आईडी के अंदर, तो आपको ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी पुराना कलेक्शन है, मतलब पुराने टाइम में काफ़ी जबरदस्त आइटम मिलते थे। एंड ये अपना दबंग भाई वाला चश्मा है। अभी नीचे आते हैं फेस पे क्या मिलता है, फेस पे ये वाला चलो इनको छोड़ो। एंड नीचे आते हैं कपड़े के कलेक्शन में, ठीक है, तो ये वाला बंडल भी अवेलेबल है, जो लेवल अप जो पास बोलते हैं या लेवल अप शॉप बोलते हैं उसके अंदर आया था ये वाला बंडल, काफ़ी बेहतरीन बंडल है, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला बंडल। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं आपसे को बता दूं कि ऐसा नहीं है भाई, इस आईडी के अंदर एक भी कुछ लिया नहीं गया है, मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपये लगाए गए हैं इस आईडी के अंदर, बाकी फ्री के अंदर जो मिलता है या इधर उधर से डायमंड कलेक्ट करके बंदे ने लिया है। एंड ऐसा नहीं है एयर ड्रॉप भी नहीं किया है, बट बहुत कम टॉपअप किया, नो टॉपअप का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक भी रुपये का टॉपअप नहीं किया, ऐसा आईडी तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा कि 70 लेवल की आईडी के अंदर एक भी रुपए का टॉपअप ना हुआ हो, बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत ही रेयर होता है। बट यार इस आईडी के अंदर इतना कम टॉपअप किया गया ना, मतलब 70 लेवल की आईडी के 500 या 600 रुपए बहुत कम होते हैं। एंड ये वाला गोल्ड रोल भाई, काफी शानदार गोल्ड रोल का बंडल आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही जबरदस्त गोल्ड रोल का बंडल है। अभी आप लोग हंसना मत भाई, प्रहलाद भाई क्या दिखा रहे हो। एंड ये वाला बंडल ये भी इसके पास अवेलेबल है एंड ये आज भी मिल रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो। बाकी यहां पर आप देख पा रहे हो कितने पुराने इसके पास गोल्ड डायमंड या हीरोइक की जो जर्सीज अवेलेबल है यहां पर आप देख पा रहे हो। एंड ये वाला भी अवेलेबल है, एंड ये वाला भी अवेलेबल है गोल्ड रॉयल, ठीक है। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, कोई तगड़ा बंडल मिलेगा तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा यहाँ पर, मैं खुद देख रहा हूँ कि इसके पास कोई तगड़ा कलेक्शन मिल जाए, बट इतना बेहतरीन कलेक्शन है, मतलब नो टॉपअप करके भी बंदे के पास काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है, बिना टॉपअप किए भी इतना बेहतरीन कलेक्शन आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना बेहतरीन कलेक्शन बंदे के पास अवेलेबल है। चलिए और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया आपको, ये वाला जर्सी काफ़ी रेयर है, मैंने आपको पहले भी बोला था। एंड ये वाला भी काफ़ी रेयर है, काफ़ी पुराना है। एंड उसके बाद ये वाला भी काफ़ी रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर आप इसको बोल सकते हो। और चलिए और स्क्रॉल करके आप सभी को दिखाता हूँ,
नीचे चलते हैं यहाँ पर। और तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है एंड काफ़ी पुराना है ये वाला भी। एंड चलिए और नीचे चलते हैं, ये वाला भी काफ़ी पुराना है। एंड नीचे आते हैं बंदे के पास कितना बेहतरीन तगड़ा कलेक्शन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर ये वाला भी काफ़ी पुराना है यार, ये भी काफ़ी पुराना आप इसको बोल सकते हो। बाकी यार इतना ज़बरदस्त कलेक्शन था कपड़ों के अंदर। अभी पैंट का कलेक्शन देख लेते हैं, पैंट का कलेक्शन तो मेरे ख्याल से क्या ही दिखाएं। बाकी चलिए यार फटाफट में पैंट का कलेक्शन भी आप सभी लोगों को दिखाते हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। बंदा ये वाली पैंट पहन के रखता है एंड ये वाली पैंट बंदे को फ्री के अंदर मिली हुई है, पूरा का पूरा बंडल फ्री के अंदर मिला हुआ है। एंड कब मिला था ये, शायद से 15 अगस्त या 26 जनवरी को मिला था, जब क्रिएट मिल रहे थे फ्री के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग खेलते थे तो अगर आप लोगों को जरूर से याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बंडल अवेलेबल है, ये वाला बंडल पूरा का पूरा अवेलेबल है भाई। मैंने काफ़ी डायमंड वेस्ट किए थे इस बंडल को निकालने के लिए, बट बंदे को कैसे मिला आई डोंट नो, बट ये वाला पूरा का पूरा बंडल अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर स्कॉल करते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो कलेक्शन है वो भी खत्म हो गया। जूतों का कलेक्शन क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, ये वाला कलेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला बंडल भी अवेलेबल है एंड ये वाला भी। चलो इनको छोड़ो, अब ये आते हैं क्रिएट्स के अंदर। तो क्रिएट्स बंदे के पास अवेलेबल है, काफ़ी क्रिएट्स अवेलेबल है। ओक का भी स्किन है, ये पता नहीं क्या है, गोल्ड है भाई, ये गोल्ड है। देखो यहाँ पर कितने चार करके कितने सारे गोल्ड मिल रहे हैं भाई। एंड इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, दोनों को बंदे को देखते कितना गोल्ड मिलता है। ओ भाई देखो भाई मेरा लक देखो, ओ क्या ही बोले, मतलब इसको कितना मैंने गोल्ड दिलवा दिया भाई, क्या ही बोले। अब नीचे जो स्क्रॉल करते हैं, इसका कलेक्शन दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर इसके पास इतने क्रिएट अवेलेबल है। अभी बंडल के अंदर आते हैं, तो ये एक जो गोल्ड रोल का बंडल है बंदे ने ओपन नहीं कर रखा है अभी तक, एंड ये एक जो क्रिएट है ये भी ओपन नहीं कर रखा है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं अदर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके पास एक ब्लू प्रिंट भी अवेलेबल है, एक और ब्लू प्रिंट अवेलेबल है, दो एवलेशन स्टोन अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 40 क्यूब फ्रेगमेंट अवेलेबल है, एक मैजिक क्यूब अवेलेबल है। यहाँ पर जो कुछ डिस्काउंट जो कार्ड बोल सकते हो वो अवेलेबल है। यहाँ पर 7 वेपन रॉयल अवेलेबल है। एंड ये जो स्टार टोकन आप देख पा रहे हो ना, ये स्टार टोकन किस चीज़ के गाइस, अभी आप लोग बोलोगे। तो गाइस ये स्टार टोकन है ना, इससे आपका जो ग्रीन क्रिमिनल है वो एक टाइम में एक्सचेंज किया जाता था बिल्कुल फ्री के अंदर। एक इवेंट आया था जिसके अंदर ग्रीन क्रिमिनल मिल रहा था एंड बिल्कुल फ्री से स्टार टोकन से उसको एक्सचेंज कर सकते थे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो वेपन रोल और पड़े हैं, और भी काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैक्स के टोकन वगैरह, यहाँ पर इसके बंदे के पास काफ़ी पुराने टोकन अवेलेबल है। एंड ये वाले आप सभी को पता है किस जो चीज़ में काम आते थे, अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आईडी का काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन था, आप लोग कमेंट करके बताना कि आईडी का कलेक्शन आप सभी को कैसा लगा। अभी कैरेक्टर का कलेक्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डीजी आलोक अवेलेबल है बंदे के पास, और भी कलेक्शन देख लेते हैं जो सब भी अवेलेबल है। बाकी कोई भी करेक्टर आप सो यहाँ देख पा रहे हो, बाकी इतना ही कोई तगड़े कलेक्ट जो करेक्टर बोल सकते हो आप पैसे वाले नहीं अवेलेबल। आप लोग बोलोगे भाई बंदे ने यहाँ पर जो सब ले रखा है आलोक है, तो यहाँ पर दो ही करेक्टर ऐसे हैं जो इसके पास पैसे वाले हैं, बाकी सारे के सारे फ्री के ही है, लगभग सारे के सारे फ्री के है। यहाँ पर आलोक और जो सब तो एक डायमंड की टॉपअप मिलता है एंड आलोक यहाँ पर आप देख पा रहे हो। मैंने ऐसा नहीं बोला है गाइस, एक भी रुपये का टॉपअप नहीं है, 600 रुपये का टॉपअप हुआ है इस आईडी के अंदर, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। एंड 600 रुपये कुल मिला के सभी में आते हैं, एड्रो वगैरह सब कुछ शामिल है 600 रुपए में, तो सब कुछ इतना ही मिला के इस आईडी के अंदर हुआ है। बाकी आप लोग बताना कि ये आईडी आप सभी को कैसी लगी, और आईडी पसंद आई है एंड ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल की बेल नोटिफिकेशन गोल पे सेट कर देना। बाकी मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूंगा, तो प्लीज से यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका भाई आपसे मिलेगा आना था किसी वीडियो के साथ।